कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी की शानदार जीत के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पर क्या आपको इस वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली इंडियन आर्मी की नागा रेजिमेंट के बारे में पता है? आखिर कैसे इन्होंने अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ तक जाकर इंडियन आर्मी में अपनी जगह बनाई थी और आज ये इंडियन आर्मी की सबसे स्ट्रॉन्ग बटालियंस में से एक है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं की स्थापना से लेकर इनके द्वारा लड़े गए वॉर और उनमें इनके द्वारा दिखाए गए बहादुरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागा रेजिमेंट के फॉर्मेशन की। तो दोस्तों, नागा रेजिमेंट का फॉर्मेशन रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में 1 नवंबर 1917 को लेफ्टिनेंट कर्नल आर एन महाजन की कमांड में किया गया था। इसकी दूसरी बटालियन नागा 2 को 11 फेब 1985 को हल्द्वानी में और थर्ड बटालियन को भी हल्द्वानी में ही 1 अक्टूबर 2009 को बनाया गया था। साल 57 के दौरान नागालैंड में सरकार के खिलाफ काफी विद्रोह चल रहे थे और वहां के युवाओं ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अपने हाथ में हथियार तक उठा लिए थे। तब सरकार ने कुछ नागा लोगों को इकट्ठा करके नॉर्थ ईस्ट में पीस मेंटेन रखने के लिए एक ग्रुप बनाया था। नागा लोगों के द्वारा सरकार के सामने कुछ मांगे रखी गई थी, जिसमें सबसे ऊपर नागालैंड को एक राज्य का दर्जा देना और नागा लोगों के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस में एक अलग यूनिट बनाना था। तब इनकी मांगों को पूरा करते हुए नागालैंड को साल 63 में एक राज्य घोषित कर दिया गया था और 7 साल बाद इंडियन मिलिट्री में उनकी एक अलग यूनिट की मांग को भी पूरा कर दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, पर पहली नागा रेजिमेंट को बनाने के लिए नागालैंड में चल रहे विद्रोह में शामिल यूथ को ही शामिल किया गया था और यहाँ तक कि इनमें से कुछ को तो जूनियर कमीशन ऑफिसर तक बना दिया गया था। लेकिन नागा रेजिमेंट की ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही ईस्टर्न बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से बिना इनकी ट्रेनिंग पूरे हुए ही 1971 में इनको बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर दिया गया था। इंडियन आर्मी की सबसे यंगेस्ट और पूरी तरह से ट्रेन यूनिट न हो पाने के बावजूद इन्होंने भारत का झंडा नीचे नहीं होने दिया था और डटकर दुश्मन की बराबरी की टक्कर दी थी। उस वक्त पर इनकी पावर बढ़ाने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट गढ़वाल राइफल और 3 गोरखा राइफल से कुछ जवानों को इस रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिससे ये रेजिमेंट किसी भी तरह से कमजोर नहीं रह गई थी। नागा रेजिमेंट के मार्शल आर्ट्स में अच्छे होने की वजह से इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत मशहूर है। ये अपने दुश्मनों का सर काट कर एज अ वॉर ट्रॉफी रख लेते थे, जिनकी वजह से इन्हें हेड हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त पर इंडियन आर्मी में इनकी 3 यूनिट्स एक्टिव है। अब बात करते हैं नागा रेजिमेंट द्वारा किए गए कुछ ऑपरेशंस की। सबसे पहला है ऑपरेशन रोमियो। जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरान डिस्ट्रिक्ट में नागा रेजिमेंट ने ऑपरेशन रोमियो को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन का गोल लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान द्वारा जबरदस्ती कब्जा किए गए 24 किलोमीटर के हिस्सों को वापस लेना था। इस यंग और फियरलेस रेजिमेंट ने इस ऑपरेशन को बहुत ही बहादुरी के साथ बिना किसी कैजुअल्टी के पूरा किया था और इन्होंने अपने पहले ही ऑपरेशन में सबको अपनी काबिलियत का अंदाजा करा दिया था। अब कारगिल वॉर के बारे में बात करते हैं। 99 में कारगिल वॉर के दौरान जब पाकिस्तानी आर्मी और मुजाहिदीन फाइटर LOC की इंडियन स्ट्रेटेजिक साइट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तब नागा 2 पहली ऐसी रेजिमेंट थी जिन्हें उन्हें रोकने के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट में उतारा गया था। नागा रेजिमेंट ने तब पाकिस्तानी आर्मी की मोर्टार पोजीशन और एम्यूनिशन डंप पर बहुत खतरनाक हमला किया था और उन्होंने कारगिल पर पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशन को पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिससे इमलियाओ नाम के जवान का सबसे बड़ा योगदान था पाकिस्तान की मोर्टार पोजीशन से होने वाले हमले को रोकने के लिए। इमलियाकूम की कंपनी ने एनिमी पोजीशन पर हमला करके उसको अपने कब्जे में करने का पूरा प्लान बना लिया था। इमलियाकूम ने दिन की रोशनी में ही एनिमी कैंप को प्रोटेक्ट कर रहे गार्ड पर हमला करके उसे खत्म कर दिया और बिना रुके आगे उनकी मोर्टार पोजीशन की तरफ बढ़ गए और वहां मौजूद सभी दुश्मनों को मार गिराया। ये मिशन नागा रेजिमेंट और इंडियन आर्मी की एक बहुत बड़ी सक्सेस था। इतना खतरनाक मिशन होने के बावजूद भी इस मिशन में किसी भी तरह की कैजुअल्टी नहीं हुई थी। इस वॉर के खत्म होने पर सिपाही इमलियाकूम को उनकी बहादुरी के लिए दूसरा सबसे हाईएस्ट वॉर टाइम गारंटी अवार्ड महावीर चक्र से नवाजा गया था। इसके बाद फिर नागा 2 ने टाइगर हिल पर हुए हमले में पार्टिसिपेट किया था। तब इन्होंने नागा लीडर कैप्टन केंगुरुसु की कमांड में इस अटैक को लेफ्ट साइड से शुरू किया था। पाकिस्तान कैंपस काफी ऊंचाई पर मौजूद थे और हमले का पता चलने पर उन्होंने नीचे से आ रहे भारतीय सैनिकों पर लगातार गोली और मोर्टार दागने शुरू कर दिए थे, लेकिन नागा लीडर ने हार ना मानते हुए गोली लगने के बावजूद
किसी तरह ऊपर चढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी सीढ़ी चढ़ाई आ जाने की वजह से इन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई -10 डिग्री के टेम्परेचर में अपने बूट्स को उतार कर नंगे पैर चढ़ने का फैसला किया और अपने साथ एक रॉकेट लॉन्चर लेके सबसे ऊपर पहुंच गए और अपने साथियों के लिए एक रस्सी नीचे फेंक दी। इन्होंने 7 एनिमी बंकर्स को रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से तबाह कर दिया। इस दौरान ये काफी ज्यादा घायल हो जाने के बावजूद रुक नहीं रहे थे, तभी 2 पाकिस्तानी सैनिकों ने इनके ऊपर एक साथ हमला कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने चाकू से इन दोनों को अकेले ही मार गिराया और तब बाकी सैनिक भी ऊपर चढ़ आए और उन्होंने तेजी से हमला करते हुए पाकिस्तान कैंप को पूरी तरह तबाह कर दिया। मगर अफसोस, तब तक पूरी तरह से घायल हो चुके नागा लीडर शहीद हो चुके थे, पर उन्होंने अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। कारगिल वॉर, ऑपरेशन रोमियो के अलावा नागा रेजिमेंट ने और कई कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान, जैसे कि 71 इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी काफी बहादुरी के साथ अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। 71 में वॉर में इन्होंने एक वीर चक्र और 3 सेना मेडल दिए गए थे। अभी के दौरान इस रेजिमेंट के पास 1 महावीर चक्र, 8 वीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र, 1 विशिष्ट सेवा मेडल और 48 सेना गोल्ड मेडल्स मौजूद है। आज तक इनके द्वारा हर तरह की परिस्थितियों में इनके द्वारा दिखाई गई बहादुरी का सबूत है। वैसे दोस्तों, आप सभी को नागा रेजिमेंट के इन बहादुरी भरे कारनामे के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।